दबंग किस तबके के लोग हैं, उसके घर में 60-65 आदमी सदस्य रहते हैं, कई घटना गांव में वो सब किए हैं। अपने पड़ोस में ऐसा घटना किया था, वो लोग एक परिवार से 60 आदमी करीब करीब हैं, यहाँ से और रामनगर तक हैं। वो लोग हर हमेशा धमकाते हैं, मुस्लिम हैं, हर हमेशा धमकाते हैं गांव के हिंदुओं को। यानी कहीं ना कहीं उनके बड़ा परिवार है जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं, डर कुछ बोले तो कहीं डर जाते। भाई साहब, कुशीनगर जिले में लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में देखा जाए कुशीनगर जिले का बरवापट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा में, बिचपटवा ग्राम सभा में एक ऐसा मामला आया है जिसे सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। हिंदू समाज की लड़की को एक मुस्लिम समुदाय का लड़का किडनैप करके कहले का फरार हो गया है, ऐसा यहाँ का आरोप है। पूरा मामला क्या है हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। हिंदू समाज के आप जी, आपकी लड़की को कौन भगा के ले गया है? हमारी लड़की को एक मुसलमान कौम का लड़का भगा के ले गया, किडनैप करवा दिया है। क्या नाम है उसका? उसका लड़का का नाम है गोल्डन साहिद। गोल्डन उर्फ साहिल जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाला है वो? हमारे गांव के रहने वाला है। आप ही के गांव का रहने वाला जी है। तो कैसे लेके भाग गया वो? वो हमारी बच्ची गई थी उधर शौच करने के लिए, वहीं से किडनैप करवा दिया है, वो लेके फरार है। अच्छा जी। तो कभी उससे लड़की से बातचीत होता था क्या कभी? नहीं, वो खाली धमकाता था हमारी बच्ची को देख देख के। क्या कहता था? कहता था कि तुम हमारे साथ रहो नहीं तो हम तुमको उठवा देंगे। आज वही मेरे साथ कर दिया, 18 तारीख को सुबह उठवा दिया हमारी लड़की को। 18 तारीख को सुबह में घटना हो गई जी। 18 तारीख को मैं थाने में एप्लीकेशन दे दिया, अभी थाना से कुछ हमें आश्वासन नहीं मिला है। तो जब इस तरीके का मामला पता चला, लड़की आपको नहीं बताई थी कि हमें कोई लड़का इस तरीके से धमका रहा है, डरा रहा है, बताई थी नहीं? बताई जी, बताई थी वो। तो आपने उस लड़के घर पे नहीं बोले? बोले थे, मैं जाके बोला था कि भाई तुम्हारा लड़का हमारे साथ लड़की के ऐसे ऐसे कर रहा है, तुम उसको डांट लो, अपने लड़के को संभाल लो, हमारी बच्ची नाबालिग है, आज हमारे साथ वो लोग सारे मिल के वो लोग ऐसे कर दिए, हमारी लड़की को उठवा लिए साहब। आपकी लड़की नाबालिग है जी? भाई साहब, इनकी जो लड़की है नाबालिग है, और जो मुस्लिम लड़का है वो बालिग है, वो भी नाबालिग है? वो बालिग है। बालिग है, बताइए, वो मुस्लिम समुदाय का जो लड़का है बालिग है और इनकी लड़की नाबालिग है, उसको सुबह में किडनैप करता है और कहीं लेके फरार हो जाता है, लेकिन अभी तक 3 दिन मामला हो गया लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि लड़की गई कहाँ पे है, कुछ पता चला है या नहीं? नहीं, अभी पुलिस पता नहीं लगाई है कि पता नहीं काट के फेंक दिए क्या किए, कुछ पता नहीं चला है। आपको डर है कि हमारी लड़की के साथ कहीं अनहोनी ना हो जाए? जी, मुझे डर है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मेरी लड़की से के साथ वो क्या सलूक करेंगे, अभी मुझे डर है जी। आप तमाम खबर देखते होंगे, आप एक खबर देखे थे जो एक लड़की को फ्रिज में पाया गया, एक लड़की को जंगल में उसका बॉडी का पार्ट मिला था, यानी वो भी लव जिहाद का ही मामला था। आज इनको डर है कि हमारी लड़की के साथ ऐसी अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि इनकी जो लड़की है नाबालिग लड़की है और जो लड़का है बालिग है, इसमें कितने लोगों का हाथ है? इसमें पूरे उसके घर परिवार का हाथ है साहब। कौन कौन? पूरे हैं, अनवर है, वही सबसे वो है, मास्टरमाइंड है, उसके घर का शरीफ है, वो फीता है, मुसाफिर है, सारे घर पर उसके पूरे बालक हैं, बहुत बड़ा परिवार है उनका। अच्छा। बहुत गुंडा टाइप में लोग हमेशा रहते हैं गांव में। ऐसे पहले भी मामला हुआ है क्या? वो लोग बहुत कई घर से वो लोग मामला ऐसे किए हैं, लोग डर के कुछ बनाओ, आप मीडिया को नहीं बुलाते हैं सर। हाँ। ना किसी कुछ कहते हैं, वो डर जाते हैं उन लोगों से, गुंडा टाइप के आदमी है वो लोग। अच्छा। आज मैं थाने पे 18 तारीख को गया तो वही हाल है, मेरे साथ भी वैसे ही हो रहा है, फिर भी मैं सारे लोगों को बुलाया हुआ अपने दरवाजे पे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, आप लोग क्या करेंगे, आप हमारे साथ न्याय करिए, योगी जी से मैं न्याय होगा, मेरे साथ न्याय दें, लड़की को पता लगवाए प्रशासन से कहाँ पे लड़की गई है, कहाँ है कहाँ नहीं, हमारी को बच्ची चाहिए जी। ऐसे में देखा जाता है जब लव जिहाद का मामला आता है तो पुलिस अपनी हरकत में आ जाती है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार बहुत जल्द कर लेती है, लेकिन ये मामला 3 दिन का हो गया है, अभी तक कोई उस घर में पकड़ा नहीं गया है, ना अपराधी पकड़ा गया है और फरार चल रहा है, कोई अभी अता पता नहीं चल रहा है। क्या आपको प्रशासन पर भरोसा है या नहीं है? अब क्या मैं भरोसा करूंगा प्रशासन पे, अभी तो कुछ पता नहीं चला। हाँ। तो जी, अब मैं तो खाली न्याय मांगूंगा योगी जी से कि हमारा न्याय हो जाए बस जी, हमारी बच्ची को पकड़वा दिया जाए, उस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भाई साहब, योगी जी हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है और यहाँ पे हिंदू लड़कियाँ सही सलामत नहीं नजर आ रही हैं, वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पा रही हैं, और योगी जी लगातार हिंदुओं की बात करते हैं, कहाँ हिंदू सुरक्षित है भाई, हिंदू लड़की कहाँ सुरक्षित है, कैसे कोई अपने लड़की को अब पालेगा पोसेगा? अब तो लड़की पैदा करने पे भी लोग अपने आप को कहेंगे कि हम लड़की पैदा करते गुनाह कर दिए हैं, क्योंकि आज इनके लड़की के साथ हुआ है, कल आपके भी लड़की के साथ हो सकता है। प्रशासन को ऐसे मामलों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
ताकि आइंदा किसी हिंदू लड़की के साथ ऐसी घटना ना हो, किसी हिंदू परिवार के साथ ऐसी घटना ना हो। पूरे गांव के लोग मौजूद हैं, आइए थोड़ा सा गांव के लोग इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, आप गांव के रहने वाले हैं? जी, गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, ये मामला जो हुआ है वो बता रहे हैं काफी दिन से वो टॉर्चर करता था कि हमारे साथ आओ, रिलेशनशिप में आओ, बातचीत करो, नहीं तो तुम्हें टंगवा लेंगे, ये काम सही कर दिया, क्या ये गलत हुआ है? ये जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि धमकी दे रहा था। हम लोग से भी बात की है, गाँव के लोग सारे लोग जानते हैं इस बात के, क्योंकि दबंग किसी के तबके के लोग है, उसके घर में 60-65 आदमी सदस्य रहते हैं, कोई घटना गाँव में वो सब किए है। 18 तारीख को सुनने में यही बता रहे हैं, असत घटना है, उनके दरवाजे पर मैं हूँ। 18 तारीख को सुबह में लड़की सर्च करने गई थी, वहाँ से किडनैप करा लिया है, कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिला, पुलिस केवल आश्वासन दे रही है कि एक दिन दो घंटे चार घंटे में आपकी लड़की आ जाएगी, लेकिन प्रशासन से कोई इनको मदद नहीं मिला, कोई इनका लड़की कोई सुराग नहीं मिला। अच्छा, क्या लगता है योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में इस तरीके का जो अपराध देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक समाज में गलत प्रभाव भी पड़ रहा है, तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग तो योगी जी से न्याय मांगेंगे कि ऐसा ना हो। उसने अपने पड़ोस में भी ऐसा घटना घटाया था, जिसके गांव के पंचायत लोग बैठ करके 2,00,000 रुपए दंड लगाए, पैसे भी नहीं दिए लोग, और उसकी लड़की का शादी भी किसी तरह हो गया। अपने पड़ोस में ऐसा घटना किया था। वो लोग एक परिवार से 60 आदमी करीब करीब हैं, यहाँ से और रामनगर तक हैं। वो लोग हर हमेशा धमकाते हैं, मुस्लिम आए हर हमेशा धमकाते हैं गांव के हिंदुओं को। यानी कहीं ना कहीं उनके बड़ा परिवार है, जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं, डर कुछ बोले तो कहीं डर जाते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप ऐसी घटनाओं को देख करके? ऐसे घटना को हम देख करके कहेंगे कि जो मुस्लिम बिरादरी जितने उसके घर का है सभी दंडित किया जाए, पकड़ा जाए, उसको सजा दिया जाए। आज इनके घर हुआ, हिंदू के घर हो सकता है? जब यही उनका आदत है, जो धमकाएंगे लोग, अपना फरसा तलवार लेकर निकलेंगे, धमकाएंगे लोग, तो आज तो मान लीजिए कि इनके घर हुआ, बेचारा गरीब आदमी का घर हुआ, किसी और के घर हो सकता है? आप लोग साथ हैं इस परिवार के? एकदम साथ हैं, पूरे गांव सारे हिंदू हैं। यदि हिंदू हिंदू यदि खून नहीं है वो, बिल्कुल सही बात है। अगर आप हिंदू हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसे लोगों के ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।